प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से बहनों के लिए एक सुंदर गीत की प्रस्तुति दी। वहीं युवा भाजपा नेत्री सुषमा सोलंकी ने मुख्यमंत्री शिवराज मामा को मनावर जिला बनाने के लिए उमरबन में उप रजिस्ट्रार पंजीयक कार्यालय खोलने और उमरबन क्षेत्र की 25 पंचायतों को नर्मदा का जल उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन दिया। युवा भाजपा नेत्री, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, प्रखर वक्ता, सक्रिय कार्यकर्ता सुषमा सोलंकी ने गंधवानी लाडली महासम्मेलन में आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मनावर को जिला बनाने, उमरबन में उप पंजीयक रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने और उमरबन क्षेत्र की 25 ग्राम पंचायतों को नर्मदा का जल उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन दिया। सुषमा सोलंकी ने बताया कि मनावर जिला बने, उमरबन में उप पंजीयक रजिस्ट्रार कार्यालय खुले और महापुरा से बदनावर नर्मदा जल पाइपलाइन से जा रहा है, जिसका स्टैंड सावला खेड़ी में रखा है। वहां से उमरबन की 25 ग्राम पंचायत में ग्रामीणों और मवेशियों के लिए नर्मदा का पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मांग पत्र दिया है। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।